मजा आया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरीके का ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को सबसे पहले मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है गाइस। और एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोगों को XML या प्रीसेट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है, वो लोग थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, नेटवर्क का इशू, वो लोग कमेंट करते थे कि फाइल ओपन नहीं हो रहा है, फाइल वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और मैं हर बार चेक करता हूँ, हर बार फाइल एकदम क्लियर रहता है। पता नहीं उन लोगों को क्या दिक्कत होता है, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। और जिन लोगों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, प्रीसेट हो गया, XML, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक वीडियो मिलेगा, पहले उस वीडियो को देख भी लो। उस वीडियो को भी नहीं देखते हो, डायरेक्ट लिंक चाहिए, ऐसा नहीं होता यार, प्लीज़ थोड़ा सा समझा करो। और इतना फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता है, इतना मतलब शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, ठीक है गाइस। थोड़ा सा आपको भी मतलब वो डालना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ भी फाइल आपको इजीली नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस। थोड़ा सा मतलब वो करो, और ऐसे कमेंट मत करो कि फेक लिंक दे रहा हो या कुछ भी। नहीं, मैं आपको फेक लिंक क्यों दूंगा, है कि ना? आप जरा सा समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं क्यों फेक लिंक दूंगा आपको? आपके नेटवर्क के इशू के वजह से कभी कभी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सर्वर का इशू कभी कभी होता है, ये मतलब हर वेबसाइट का, हर किसी का भी ऐसा होता ही है, इतना मतलब वो मत करो, ठीक है। अगर डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, तुमको एक वीडियो मिलेगा। वो वीडियो भी नहीं देखते हो और कमेंट करते हो नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो। इतना इजी स्टेप है, बस आपको क्या करना है, वेट करना है ना, लिंक पे क्लिक करने से वेट करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट मिल ही जाएगा। इतना भी तो कुछ झमेला नहीं है, वो भी नहीं कर पाते हो, क्या बोलो यार। खैर छोड़ो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन पे तुमको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना, एलाइट मोशन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा सिंपल से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना, ठीक है। जिस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी ऐड है, बस आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, अगर आप XML इंपोर्ट करोगे ये सॉन्ग डिलीट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करना, सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, इमेज का लेयर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी इमेज आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस इमेज को आपको यहाँ पे करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो, देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एरो पे क्लिक करना है, 11.02 सेकंड पे आ जाना है, ठीक है। तो आपको हर डबल बिटमार्क पे इमेज को चेंज करना है, ये बात भूलना मत, हर डबल बिटमार्क पे इमेज को चेंज करना है, ठीक है। और जब तक डबल बिटमार्क नहीं आता है तब इमेज चेंज मत करना। तो आपको यहाँ पे जो लेयर इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, ऊपर से प्लस इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो डबल बिटमार्क नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम इमेज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो, जब तक डबल बिटमार्क नहीं आता है सेम इमेज को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे डबल बिटमार्क आ चुका है 13.10 सेकंड पे। तो अब अभी हम क्या करेंगे, इमेज को चेंज करेंगे, लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करके ऊपर जो प्लस इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब देख सकते हो डबल बिटमार्क नहीं है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या करना है, सेम इमेज को आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। जिस तरह से आप देख सकते हो सेम इमेज को आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको देख सकते हो नेक्स्ट डबल बिटमार्क आ गया, तभी हम क्या करेंगे, इमेज को चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से डबल बिटमार्क आ गया, यानी कि फिर से इमेज चेंज होगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, इमेज को चेंज करना है, सेम इमेज ऐड हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डबल बिटमार्क आ गया, इस पर भी हम क्या करेंगे, इमेज को चेंज करेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, इस डबल बिटमार्क नहीं तो इस लेयर पे भी सेम इमेज ऐड होगा, ठीक है। जो इमेज हमने ऐड किया ना, इस लेयर पे भी सेम इमेज ऐड होगा। उसके बाद देख सकते हो डबल बिटमार्क आ गया, इस इमेज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डबल बिटमार्क नहीं है तो क्या करेंगे, सेम इमेज को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो, उसके बाद डबल बिटमार्क आ गया, फिर से क्या करेंगे, इमेज को हम करेंगे चेंज करेंगे, ठीक है, प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट डबल बिटमार्क नहीं है तो क्या करेंगे, सेम इमेज को हम कंटिन्यू करेंगे।
हर डबल बिटमार्क पे इमेज चेंज होगा, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद डबल बिटमार्क आ गया, क्या करेंगे, इमेज को हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख जो डबल बिटमार्क नहीं है तो इसी इमेज को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद डबल बिटमार्क आ गया, इमेज को हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। फिर से डबल बिटमार्क आ गया, फिर से हम क्या करेंगे, इमेज को चेंज करेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, कंटिन्यू आपको एंड तक इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड तक इमेजेस को ऐड कर लेने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देख ऊपर थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऊपर आना है, ठीक है। ये जब देख सकते हो सीसी, देख रहे हो ना सीसी, सीसी के ऊपर आना है, ठीक है। सीसी के ऊपर आपको इस तरह से बीच बीच में आपको लेयर देखने को मिले, इस तरह से आप देख सकते हो बीच बीच में लेयर है ना, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो बीच बीच में लेयर से, ठीक है, देख सकते हो ना इन सभी लेयर्स पे, ये जो बीच बीच में लेयर्स है ना सीसी के ऊपर, सभी लेयर्स पे जो ग्लास का वीडियो है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सिंपल से डाउनलोड कर लेना है। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करके स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जो फोल्डर है सिंपल से आपको क्या करना है, उस फोल्डर को आपको यहाँ पे करना है ओपन कर लेना है, ठीक है गाइस, ठीक है। प्लस पे क्लिक कर देना है, जो ग्लास का वीडियो है उसको सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो ऊपर जितना भी सीसी के ऊपर जितना लेयर्स होगा ना, इस तरीके से आपको लेयर्स देखने को मिलेगा। सभी लेयर्स पे आपको जो ग्लास का वीडियो वो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब देख सकते हो जो सीसी है, सीसी के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो लेयर्स है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो 12.0506 सेकंड पे लेयर है, इस तरह से आपको यहाँ पे लेयर्स देखने को मिलेंगे। इन लेयर्स पे आपको क्या करना है, जो ग्लास का वीडियो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है गाइस। थोड़ा सा आगे आना है आपको, यहाँ पे और एक लेयर मिलेगा। इस तरीके से आपको करना है, एंडिंग पॉइंट जितना भी लेयर्स होगा ऊपर सीसी के ऊपर, सभी पे ग्लास का वीडियो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, आपका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, वीडियो को हाई रेजोल्यूशन करके नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना और सेकेंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।